नमस्ते, स्पॉइल्ड बाय कोको में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वी आज आपके साथ पम्पकिन सॉस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास चॉप किए हुए कद्दू काशीफल हैं। इसे मैंने पील करके छोटे पीसेस में चॉप करा है, जिससे जल्दी कुक हो जाए। इन्हें मैं दो बाउल में डिवाइड कर लूँगी। पहला मेथड, बॉइलिंग मेथड। सबसे पहले कद्दू के पीसेस को पैन में ट्रांसफ़र करेंगे, पानी ऐड करेंगे। पानी का लेवल बस काशीफल तक होना चाहिए। इसे हम गैस पर रखकर कुक करेंगे। एक बार बॉईल आ जाए तो पैन को कवर करके लो फ्लेम पर 12 से 15 मिनट तक पकाएंगे। नाइफ या फोक से चेक करेंगे, काशीफल सॉफ्ट होना चाहिए बट मशी नहीं। अगर ज़्यादा पानी है पैन में तो इसे कुक करके रिड्यूस करेंगे। ग्राइंड करने से पहले ठंडा होने देंगे। दूसरा मेथड, रोस्टिंग मेथड। चॉप किए हुए काशीफल पे हल्का सा फ्लेवरलेस ऑयल ड्रिजल करेंगे एंड मिक्स कर लेंगे। ऑयल ऐड करना ऑप्शनल है। अब इन्हें एक बेकिंग ट्रे पे, जिसे सिलिकॉन मैन और रीयूजेबल बेकिंग शीट से लाइन किया हुआ है, उस पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। इवनली स्प्रेड करेंगे। बेक करेंगे इन अ प्री हीटेड ओवन एट 200 डिग्री सेल्सियस पहले 10 से 15 मिनट के लिए। फिर ओवन से बाहर निकालकर एक बार स्टर कर लेंगे। देन दोबारा बेक करेंगे एट 200 डिग्री सेल्सियस फॉर 12 टू 14 मिनट्स के लिए, जब तक काशीफल अच्छे से कुक नहीं हो जाता, सॉफ्ट एंड टेंडर एंड हल्का सा कैरामलाइज नहीं हो जाता। ये सॉफ्ट होना चाहिए, पिलपिला नहीं। जो पीसेस में ऐसे चारिंग हो गई है उन्हें रिमूव कर लेंगे, जिससे हमारी सॉस में जला हुआ या फिर ब्राउन ब्लैक कलर नहीं आए। इन्हें अच्छा सा ठंडा होने देंगे। ब्लेंड करेंगे एक फाइन प्योरे कंसिस्टेंसी में। एक छन्नी की हेल्प से छान लेंगे स्मूथ पेस्ट फॉर्म के लिए। जो सॉस हमने बॉइलिंग मेथड से बनाई है, अगर वो आपको वॉटरी लगे तो इसे लो फ्लेम पर कुक करें 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक ये थिक नहीं हो जाती। आप हाफ टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करके मिक्स भी कर सकते हैं, इससे सॉस थिक हो जाएगी। कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। एक एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र करके फ्रिज में स्टोर करेंगे 5 से 7 दिन के लिए। आपको ये सिंपल रेसिपी काशीफल से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। आपको दोबारा मार्केट से ये खरीदनी नहीं पड़ेगी सॉस। एंड अब तो आपको दो तरीके भी पता है इसे बनाने के। टेस्ट वाइज दोनों ही टेस्टी हैं, दो मुझे लगता है कि रोस्टिंग मेथड से बनाई हुई सॉस थोड़ी ज़्यादा टेस्टी है। मेक दिस एंड और भी फॉल सीजन की रेसिपीज़ के लिए पम्पकिन सॉस के साथ मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पॉइल्ड बाय कोको हिंदी।